वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। तो देखिए, हमने डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए देखा कि डेडलॉक को प्रिवेंट करने का तरीके के लिए आप चार जो कंडीशंस होती हैं उसमें से कोई भी एक फेल कर दें, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हुआ, होल्ड एंड वेट हुआ, सर्कुलर वेट हुआ या नो प्रिएम्पशन हुआ। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस। तो सबसे पहले अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? अवॉइडेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के होने से पहले उसको रोकने की कोशिश करना, उसके लिए कुछ ऐसी कोशिश, ऐसी मेहनत पहले से करके रख लेना जिससे कि डेडलॉक होए ना। ठीक है, अवॉइडेंस का तो सिंपल मतलब यही है। अगर मान लीजिए मुझे मालूम है कि मैं एग्जाम में पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, और मुझे मालूम है एग्जाम नज़दीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको अवॉइड करने के लिए पढ़ाई चालू कर दूंगा। और अगर एग्जाम टाइम में मुझसे ज़्यादा बर्डन नहीं सेहत बन रहा तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा पहले से पढ़ाई चालू कर दूंगा ताकि लास्ट मोमेंट पर पढ़ने वाला जो बोझ है वो मुझे ना झेलना पड़े और लास्ट मोमेंट पर पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो। इसलिए मैं अवॉइडेंस के तौर पर पहले बार या थोड़ा थोड़ा पोर्शन अभी से पढ़ना चालू कर दूंगा यूनिट वाइज, ताकि मुझे एग्जाम में दिक्कत ना हो। डेडलॉक अवॉइडेंस भी यही है कि डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर जो तीन नेसेसरी कंडीशन है, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्प्शन, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ चॉइस ऑफ अश्योरेंस ऐसा लाते हैं जहां पर डेडलॉक पॉइंट पे वो कभी आए ना। और साथ ही साथ जो अवॉइडेंस है वो क्या करता है कि ज्यादा कॉन्करेंसी को अंजाम देता है रादर देन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में इतनी कॉन्करेंसी नहीं आ पाती जितनी अवॉइडेंस में आती है, तो अवॉइडेंस ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू प्रिवेंशन। अब बेसिक आइडिया क्या है इस अवॉइडेंस का, वो ये है कि आप सिर्फ रिक्वेस्ट उसको ग्रांट करिए अवेलेबल रिसोर्सेज की जिसमें पॉसिबली कोई डेडलॉक की स्टेट ना आए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी प्रोसेस डेडलॉक की स्टेट में आने वाली है और कौन सी नहीं आने वाली? तो इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक रिसोर्स एलोकेटर का जन्म देना पड़ेगा, रिसोर्स एलोकेटर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, एग्जामिन करेगा ग्रांटिंग इफेक्ट का। मतलब जैसे आपने ग्रांट करा कोई भी रिक्वेस्ट को, किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को, तो उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। उसके बाद अगर आपने ग्रांट करा रिसोर्स को जो कि कोई डेडलॉक तक नहीं जा रही है, तो फिर आप उसको रिसोर्स को ग्रांट करोगे रिक्वेस्टर पे। मतलब कोई प्रोसेस आई उसको रिक्वेस्टर बोलेंगे। अगर आपने देखा कि हाँ ये सही है, ये इसको हम अगर रिसोर्स दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तभी आप जाके दोगे। नहीं, आपको अगर शक हुआ कि यार ये प्रोसेस को अगर हमने रिक्वेस्ट दे दी तो शायद दिक्कत हो जाएगी और डेडलॉक हो जाएगा, तो इसलिए आप उसको क्या करोगे, उस प्रोसेस को सस्पेंड कर दोगे। सस्पेंड मतलब कुछ टाइम के लिए, और उसको पेंडिंग रिक्वेस्ट को जब तक आप सेफली उसको ग्रांट नहीं कर देते तब तक उसको पेंडिंग में रखोगे। मतलब आपको मालूम है कि कोई ऐसा है जो कि संदिग्ध है कि भाई ये जो है ये आगे जाके डेडलॉक क्रिएट कर सकता है, तो उसको रोक दो गेट पे। और गेट पे रोकने के बाद पहले सारी पब्लिक को निकल लेना, मतलब सारी प्रोसेस को निकल लेना, उसके बाद उसको एंट्री दो। अब इसको यहाँ पे कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना कैसे? भाई यहाँ पे आपको क्या करना है कि इवेलुएट करना है किसको, इंडिविजुअल स्टेट को, और उनके डेडलॉक अवॉइडेंस की रिक्वायरमेंट में भाई सारी की सारी प्रोसेस की मैक्सिमम रिसोर्सेज क्या क्या है, मतलब क्या क्या नंबर ऑफ रिसोर्सेज में चाहिए रहता है, और हर एक प्रोसेस के बारे में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। आपको प्रोसेस P1 से बात करनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा भाई तुम्हारी क्या रिसोर्सेज हैं, क्या 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 चाहिए तो बताओ, जरा एक लिस्ट बना दो। ऐसी P2 से बोला, ऐसी P3 से बोला, P4 से बोला, P5 से बोला, और पांचों प्रोसेस ने क्या करा, अपनी अपनी लिस्ट बना के दे दी। अब मान लीजिए प्रोसेस P1 ने रिक्वेस्ट करी है रिसोर्स R5 की, फॉर एग्जाम्पल, और R5 इन चार बचे हुए चारों की लिस्ट में कहीं है ही नहीं, तो मुझे R5 P1 को देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि R5 की रिक्वेस्ट अकेला इसने जनरेट करी है। हाँ, लेकिन अगर मान लो इसने R5 लिखा और बाकी सबने भी R5 लिख दिया, आप समझ जाओगे कि यार यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे क्या है परेशानी, यहाँ पे ये परेशानी है कि ये हो सकता है कि सेम टाइम पे R5 मांग ले, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम जो होती है वो डायनेमिक होती है, और एग्जामिन करती है रिसोर्स एलोकेशन को, और स्टेट इंश्योर करती है कि कहीं भी सर्कुलर वेट एग्जिस्ट ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक रिसोर्स को लेके बैठा और दूसरा इंतजार कर रहा हो। तो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट जो है वो डिफाइन करती है नंबर ऑफ अवेलेबल और एलोकेटेड रिसोर्स, मतलब वो रिसोर्सेज की लिस्ट भी बना के देती है वो कि जो अवेलेबल है फिलहाल मार्केट में, और जो रिसोर्सेज एलोकेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये डिपेंड करता है मैक्सिमम जो है इसका डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर कि वो क्या चाहिए उसको। खैर, इस सब से बचने के लिए, ये तो डेडलॉक अवॉइडेंस के बारे में हुआ, इन सब से बचने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो होता है वो एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि आपको पूरा एक नक्शा बना के दे देता है कि क्या होने वाला है। आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है वो डेडलॉक अवॉइडेंस में यूज होता है, और ये क्या करता है, हर एक रिसोर्स टाइप की इंस्टांसेस को बताता है। इसमें यहाँ पे एक स्पेशल एज जोड़ी गई है जिसको बोलते हैं हम क्लेम एज। क्लेम एज जो है वो ज्यादातर डॉटेड लाइंस में आपको दिखेंगी, जब आप डायग्राम इसका देखेंगे भी तो आपको डॉटेड लाइंस में जो दिखेंगी क्लेम एज होंगी। मतलब पहले क्या होता था कि रिसोर्स की रिक्वेस्ट होती थी और रिक्वेस्ट होने के बाद ग्रांट हो जाती थी, तो वो तो ठीक है आपने, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स की रिक्वेस्ट से पहले क्लेमिंग एज डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि रिक्वेस्ट
और असाइनमेंट एजेस जो है वो सॉलिड लाइन से होंगी और जो क्लेम एज होगी वो डॉटेड लाइन से होंगी। मसलन के तौर पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सपोज कोई प्रोसेस है पी आई, उसको रिसोर्स चाहिए आर जे, ठीक है। यहाँ पे इस पी आई टेंस टू आर जे का मतलब ये हुआ कि पी आई रिक्वेस्ट है, मतलब प्रोसेस जो है पी आई है उसकी रिक्वेस्ट है आर जे के लिए, और अभी नहीं है मतलब कभी किसी फ्यूचर में, तो अगर कभी किसी फ्यूचर में है तो उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मान लीजिए प्रोसेस पी आई को रिसोर्स आर जे चाहिए तो क्लेम एज में आया, वो क्लेम एज जो होंगी वही आगे जाके रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट होंगी, और वो जो रिक्वेस्ट एजेस होंगी उन्हीं को असाइनमेंट होगा। मतलब पहले आपको डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी, ठीक है, आप रिक्वेस्टिंग मोड में आओगे और रिक्वेस्टिंग मोड में रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो वो डैश लाइन जो है वो डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और डॉटेड लाइन जो है वो सॉलिड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर जाके एक्सेस ग्रांट होगा आपको। अब मान लीजिए कि कोई रिसोर्स आरजे है जो कि पीआई को मिल चुकी थी, अब पीआई का काम खत्म हो गया, उसको क्या करना है, उसने उस रिसोर्स को छोड़ना है, उस रिसोर्स को रिलीज करना है, तो असाइनमेंट एज जो है अब काय में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस से क्लेम एज में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो आपकी डॉटेड लाइन है वो डैश्ड लाइन है, वो डैश्ड लाइन पहले सॉलिड में कन्वर्ट होती है, मतलब क्लेम एज से आप जाते हो रिक्वेस्ट एज पे, और रिक्वेस्ट एज से आपको क्या होती है एक्सेस ग्रांट मिल जाता है, मतलब असाइनमेंट मिल जाता है, और असाइनमेंट जो है वो हो जाता है जब कन्वर्ट, मतलब काम हो गया, काम खत्म, तो आपको क्या करना है कि वो सॉलिड लाइन को वापस से डैश लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है ये रिसोर्स जो है ये क्लेम की जाती है, और ये पूरी की पूरी जो क्लेमिंग जो है ये आपको पहले से ही पता होती है, सिस्टम के अंदर पता होनी चाहिए, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है पी आई का, उससे पहले सारी की सारी क्लेम एजेस जो है वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर मालूम रहती है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कुछ कंडीशन जो क्लेम एज की है वो रिलैक्स कर दी जाती है ग्राफ के अंदर, जब आप पी आई को मतलब लाते हो सिस्टम के अंदर, और ऐसी कंडीशन जहाँ पे पी आई को आर जे चाहिए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ वही एजेस को ग्रांट मिलेगा, एक्सेस मिलेगा जो कि कभी क्लेम एज रही होंगी। डायरेक्ट से कोई भी एज उठा के, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पी आई को आर जे चाहिए था, पीछे से आया पी के और पी के आर जे को ले गया, ऐसा नहीं होगा। अगर पी आई ने पहले क्लेम एजेस बना रखी है, डैश लाइन पहले से अगर उसकी तैयार है आर जे के लिए, तो यकीनन सबसे पहला हक जो है रिक्वेस्ट जनरेट करने का भी पी आई को ही मिलेगा। खैर, यहाँ पे प्रोसेस पी आई है, रिक्वेस्ट आर जे है, ये रिक्वेस्ट ग्रांट होगी जब आप कन्वर्ट करोगे क्लेम एज को रिक्वेस्ट एज के अंदर, और उसके बाद असाइनमेंट मोड पर जब जाओगे तो असाइन हो जाएगा, असाइनमेंट के बाद आपका फॉर्मेशन, कुल मिला के ये है कि आपका फॉर्मेशन ऑफ साइकिल नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मेशन ऑफ साइकिल नहीं है तब तक तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर मान लीजिए साइकिल एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे अब सिस्टम जो है वो एक अनसेफ पोजिशन पर पहुंच जाएगा। मतलब साइकिल नहीं है तो सेफ पोजिशन, लेकिन साइकिल है तो अनसेफ पोजिशन, हमें कुल मिला के साइकिल को रिमूव करना है। इसलिए अगर मान लीजिए वो अनसेफ में पहुंच गया तो पी आई को वेट करना पड़ेगा जब तक कि उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई ना किया जाए, और पी आई को वेट करना पड़ेगा जब तक कि, मतलब अगर साइकिल क्रिएट हो रही है तो, अगर साइकिल नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब विन विन सिचुएशन है फॉर पी आई। अब देखिए, एक आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिख रहा होगा फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस, उसमें दिख रहा होगा कि प्रोसेस पी आई है उसको आर टू बाद में चाहिए, और प्रोसेस पी टू है उसको आर वन चाहिए और आर टू बाद में चाहिए। तो देखिए लिखा है यहाँ पे कि रिसोर्स एलोकेशन के लिए जो प्रोसेस पी टू है, पी टू रिक्वेस्ट कर रही है आर टू के लिए, और ये एलोकेशन जो है वो साइकिल क्रिएट कर रही है जो कि एक अनसेफ स्टेट है। इसमें मान लीजिए पी आई ने भी आर टू के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करी है और पी टू ने आर वन के लिए भी रिक्वेस्ट जनरेट करी है, तो यहाँ पर डेडलॉक आएगा। डेडलॉक क्यों आएगा, क्योंकि देखिए पी टू जो है उसकी निगाह किस तरफ है, दोनों तरफ, R2 की तरफ भी है और R1 के लेने की तरफ भी है। वही P1 जो है उसके पास R1 जो है वो R1 पे नहीं है उसकी निगाह, उसकी R2 पे निगाह इन फ्यूचर। तो अगर मान लीजिए R2 की वाली सिचुएशन में डॉटेड लाइन में जो ये दोनों क्लेम्ड एज हैं, ये अगर रिक्वेस्ट एज पे कन्वर्ट हो गई तो P1 P2 के बीच में डेडलॉक अपीयर होना चालू हो जाए। यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन और उसकी रिक्वेस्ट को मॉडल करने के लिए जो हम यूज करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर अगर मान लीजिए रिसोर्सेज हैं, तीन रिसोर्सेज, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा R1, R2, R3 जो रेक्टेंगल्स हैं वो तीन रिसोर्सेज हैं, और P1, P2, P3 तीन इसकी प्रोसेस हैं, तो कुल मिला के हमने सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा प्रोसेस को, सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेस को, और इसमें ऐसा रेक्टेंगल जो होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं रिसोर्स को। तो ये हमने नोटेशन ऐसा बना रखा है और ज़्यादातर बुक्स के अंदर ऐसा ही मैंशन रहता है, तो आप भी इसको ऐसे ही सीखें।
अब देखिए वहां पे क्या है कि वहां पे आपको उस डायग्राम के अंदर कुछ जो एजेस दिख रही होंगी वो दिख रही होंगी R1 से P1 तक जा रही है, मतलब P1 के लिए इनकमिंग एज दिख रही होंगी, और कुछ एजेस ऐसी भी दिख रही होंगी जो कि P2 से जैसे बाहर निकल रही है, तो इनकमिंग और आउटगोइंग एज दोनों दिख रही हैं। कुल मिला के क्या है कि डायरेक्ट एज, डायरेक्ट एरो अगर कोई प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा है, प्रोसेस से रिसोर्स के रेक्टेंगल की तरफ जा रहा है, उसका मतलब होता है पेंडिंग रिक्वेस्ट। मतलब अगर यहां से कोई एरो ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि P1 जो है वो R1 को, R1 चाहिए P1 को। अच्छा, दूसरी ओर पे अगर मान लीजिए R1 का कोई एक डॉट है, R1 का कोई एक डॉट है और वो सपोज मान लीजिए P2 पे जा रहा है, इसका मतलब होता है कि R1 रिसोर्स जो है वो P2 को एलोकेट हो गई। मतलब ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बनाया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दो चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है, तीन चीजें बल्कि, सर्कल को प्रोसेस को और सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसोर्स को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर प्रोसेस से एरो चला तो वो इस स्क्वायर के एज पे आके रुकेगा, मतलब ये जो स्क्वायर है ना इस तक आके रुकेगा, ये रेक्टेंगल सॉरी इस तक आके रुकेगा। लेकिन अगर रिसोर्स से चला तो वो यहाँ पे एक सर्कल बना रखा है मैंने, वो सर्कल जो होगा ना उस सर्कल से आगे बढ़ेगा, और वो सर्कल से कहाँ तक जाएगा, P2 तक जाएगा, मतलब किसी प्रोसेस तक जाएगा। इसका मतलब होता है पेंडिंग रिक्वेस्ट अगर वो नीचे उतरा है तो, और इसका मतलब होता है ग्रांटेड रिक्वेस्ट, मतलब कि रिक्वेस्ट ग्रांट हो चुकी है। मतलब यहाँ पे है कि इसको P1 को R1 चाहिए, और यहाँ पे इसका मतलब है R1 को P2, मतलब P2 को R1 मिल चुका है, इसका मतलब ये। अब आपके सामने जो मैं रखने जा रहा हूँ वो बुनियाद इसकी है कि आपका ये जो डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने, इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में बनाने के लिए आप देखेंगे तो इसके अंदर मैं प्रोसेस लिखूंगा P1, P2, P3। उसके अंदर तीन कॉलम बनाऊंगा, एक बनाऊंगा करंट एलोकेशन का, एक बनाऊंगा आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट का, और एक बनाऊंगा रिसोर्स अवेलेबल का। तो इस डायग्राम के नीचे ही आपको एक टेबल बनी हुई दिख रही होगी, मैं इस डायग्राम से इस टेबल को बनाना सिखा रहा हूँ आपको। तो ये दोनों चीजें आपको स्क्रीन पे एक ही टाइम पे दिख रही होंगी, ऊपर शायद डायग्राम दिख रहा होगा और नीचे शायद आपको ये टेबल दिख रही होगी। तो ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम को ध्यान से देखें और इस टेबल को हम बनाने की कोशिश करते हैं P1, P2 और P3 के रेफरेंस में। तो चलिए P1 से बात करते हैं पहले। P1 के पास सारी की सारी तीनों इनकमिंग एजेस हैं, दो जो है वो R1 से आ रही हैं और एक जो है वो R2 से आ रही है, और कुछ नहीं। तो P1 की बात करते हैं। तो P1 में देखिए करंट एलोकेशन, R1 से दो आई हैं, R2 से एक आई है, और R3 से कुछ नहीं है अभी करंट एलोकेशन। अच्छा, P1 को कुछ चाहिए क्या, हम ये पता कर लेते हैं। तो देखते हैं P1 से कोई आउटगोइंग एज है क्या, नहीं, P1 से कोई आउटगोइंग एज नहीं है। तो इसलिए P1 से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, इसका मतलब P1 को कुछ नहीं चाहिए, ना R1 से चाहिए, ना R2 से चाहिए, ना R3 से। तो आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट क्या है, 0 0 0। अब बात करते हैं P2 की। तो P2 पे आप देखें कि P2 को अभी क्या क्या है P2 के पास। तो P2 के पास R1 का एक इंस्टांस है, R2 के दो इंस्टांसेस हैं, तो और R3 का कुछ नहीं। तो देखें आप उसमें क्या लिखा है करंट एलोकेशन में, 1 2 एंड 0, मतलब R1 का एक, R2 का दो, और R3 का कुछ नहीं। लेकिन साथ ही साथ P2 को चाहिए क्या क्या, R1 का एक इंस्टांस जो है वो चाहिए, और एक R3 का चाहिए, मतलब R1 में जाके आप 1 लिखेंगे, फिर R2 में कुछ नहीं, और R3 में अगेन 0। फाइनली यहाँ पे आता है P3, और P3 में आप अगर देखेंगे गौर से तो P3 जो है, P3 के पास जो एजेस हैं वो दो तो रिक्वेस्टिंग मोड में है और एक ग्रांटेड मोड में। जो ग्रांटेड है उसकी बात कर लेते हैं पहले, R3 उसको मिला हुआ है ऑलरेडी। तो आप देखिए करंट एलोकेशन में R1 R2 उसके पास 0 0 है, और R3 जो है वो 1 है। वहीं उसको चाहिए क्या क्या, उसको R2 के दो इंस्टेंसेस चाहिए हर हाल में, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो लिखा है हमने आउटस्टैंडिंग में कि 0 2 0। तो ये कुल मिला के इस डायग्राम से इस टेबल को बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको ये न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी। खैर, अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर जो आपको रिड्यूस्ड एलोकेशन ग्राफ जो है वो कैसे बनाना है। रिड्यूस्ड एलोकेशन ग्राफ मतलब ये है कि आप यहाँ कंप्यूट कर रहे हो कि डेडलॉक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा लेता हूँ आगे, और इसमें कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज से कनेक्टेड हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि इसमें से जो जो काम हो चुका है उसको हटाने की कोशिश करो, और ये जितने भी लिंक्स हैं ना, जितने भी आपने एरोस देखे थे अभी पिछले डायग्राम के अंदर, उन सारे एरोस को हटाना है आपको एक एक करके। अगर आपने पूरे एरोस हटा दिए इसका मतलब आपके सिस्टम में डेडलॉक नहीं है, और अगर एक आध एरो कोई सा रुका रह गया तो समझ जाना कि सिस्टम में डेडलॉक है। तो चलिए पहले बात करते हैं P1 से। P1 में देखिए जरा, P1 का जो डायग्राम था उसके अंदर सारी एजेस क्या थी,
दो R1 की थी और एक R2 की थी। अब जाहिर सी बात है ये दोनों जब उसके पास रिसोर्सेज है ही हैं और उसको कुछ और चाहिए नहीं, इसका मतलब ये एजेस जो है वो डिलीट की जा सकती है, ठीक है ना। प्रोसेस को P1 को क्या चाहिए था, R1 R2, R1 के दो इंस्टेंस, R2 को एक इंस्टेंस, उसके बाद है तो मौजूद, और उसको कुछ और चाहिए क्या, और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो ठीक है जाने दो। तो आपका P1 के जितने भी एजेस हैं वो हटा दिए हमने, और वो रिड्यूस ग्राफ के अंदर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। जब भी कभी कोई रिसोर्स के पास मतलब आउटगोइंग एजेस होती हैं तो उसको हम सारी एरर्स को डिलीट मार देते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये कि कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है। अब आप अगर गौर से देखें, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ आर वन की। ये P1 का तो आपने P1 के रेफरेंस से देख लिया, अब R1 के रेफरेंस से देखते हैं। देखिए R1 के दो इंस्टांस किसके पास है, P1 के पास है, और एक इंस्टांस किसके पास है, P2 के पास है, और P2 को एक इंस्टांस चाहिए। अब एक बार बताइए जब आप मुझे कि जब उसको एक इंस्टांस चाहिए और एक इंस्टांस आपने दिया है P2 को, तो R1 इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड ना, तो मतलब R1 का जो पहले दो इंस्टांस थे जो आपने उसको P1 को दे देखे हैं, और तीसरा जो इंस्टांस था वो P2 को चाहिए था, क्योंकि P2 से एक एज आई है नीचे R1 पे, और वही एक एज यहाँ पे आपको तीसरे इंस्टांस पे जाते हुए भी दिख रही है। तो इसलिए इसी डायग्राम में अगर रिड्यूस करेंगे तो देखें P1 और R1 बिल्कुल इस डायग्राम से अलग हो गए, मतलब बिल्कुल ही अलग हो गया भाई। P1 का तो मैंने आपको बता दिया कि P1 के सारी रिक्वेस्ट चाहिए थी, रिक्वेस्ट उसको मिली हुई थी, उसको और कुछ चाहिए नहीं था आगे, तो हटा दिया आपने। भाई R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखें, R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो R1 की रिक्वायरमेंट, दो रिक्वायरमेंट P1 की थी वो दे चुका है उसको, और P2 की एक रिक्वायरमेंट थी वो भी उसको दे चुका है कायदे से, तो वो अपना काम ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका R1 भी बिल्कुल अकेला अकेला बच जाएगा। दूसरा जो मैंने प्रोसेस का बोला वो आपको समझ में आएगा होगा, दूसरा पॉइंट कि प्रोसेस में अगर इनकमिंग एजेस होती हैं तो सारी एजेस को डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि प्रोसेस के पास आउटगोइंग एज है और हर एक रिक्वेस्ट लिए एरो अवेलेबल है, रिसोर्स मतलब रिसोर्स का डॉट अवेलेबल है, लेकिन क्या है कि वो पॉइंट कर रहा है आगे जाके किसी दूसरे रिसोर्स पे। मतलब ये कि आप अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे तो अब देखिए इतने डायग्राम को देखिए भाई, एक काम तो हो गया आपको नेक्स्ट डायग्राम में ही दिख रहा होगा कि P1 और R1 बिल्कुल अलग हो गए। अब देखिए रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, P3 को एक इंस्टेंस चाहिए किसका, R2 का, और आप देख सकते हैं कि R2 का एक इंस्टेंस P3 पे जा भी रहा है। अच्छा R3 जो चाहिए, R3 जो है वो P3 के पास ऑलरेडी मौजूद है, तो उसकी तो बात ही छोड़ो। यहाँ पे R2 के दो इंस्टेंसेस P2 के पास ऑलरेडी मौजूद है, तो आप देखें जरा कि यहाँ पे P2 को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा R3 का, क्यों, क्योंकि R3 अभी ऑक्यूपाई करा हुआ है कौन, P3। तो एक कंडीशन बस यही बन रही है कि आपका P2 जो है वो थोड़ा सा उसको रोकना पड़ेगा, वो डेडलॉक स्टेट में आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता और अगर ये रिक्वेस्ट नहीं आती जो P2 जो है वो जो मांग रहा है कुल मिला के R3 की मांग रहा है रिक्वेस्ट, अगर ये रिक्वेस्ट नहीं होती कोई डेडलॉक नहीं था। मतलब ये जितनी एरोज है ना, अगर आप ये डिलीट कर पाए तो करते रहिए, जैसे सारे एरो डिलीट हो गए समझ लीजिएगा कि कोई डेडलॉक नहीं है, लेकिन अगर एक एरो भी बचा रह गया तो वो डेडलॉक स्टेट है। तो ये था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसके दम पे हम बताते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट कब आएगी, कब जाएगी, और कब डेडलॉक होगा या नहीं होगा। थैंक यू सो मच।